वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ अभी, और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि आज ललही छठ है और मेरा और मम्मी का फास्ट है। ये ललही छठ बच्चों के लिए रहते हैं, मतलब जिसके लड़के होते हैं लड़कों के लिए रहते हैं, तो मैं और मम्मी फास्ट हैं और मम्मी पूजा की तैयारी भी कर रही हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, तो मैं चलो पहले रेडी हो जाती हूँ और ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है ना, टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर पाऊँ, इतना टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले स्टार्ट कर दूँगी, उसके बाद धीरे धीरे जहाँ तक मुझसे हो सकेगा वहाँ तक मैं शूट कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं रेडी होने। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मम्मी ने थाली तैयार करके रख दी है, सारा सामान जो जो पूजा में लगेगा। ये देखिए माला फूल है, चीनी का कुल्हड़ है और मिट्टी का कुल्हड़ है, और इसमें देखिए हल्दी भी मम्मी ने लगाया है। ये देखिए इसमें मम्मी ने हल्दी घोर के रखा हुआ है, और चूना दोनों मम्मी ने लगाया है, और ये आप लोग देख सकते हैं। और ये फसई का चावल है, फसड़ी क्या बोलते हैं आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग क्या बोलते हैं इसको। तो इसका अच्छा तो छिड़का जाता है जब पूजा करते हैं। तो मम्मी ने सारी तैयारी करके रख दी है, और ये देखिए, और यहाँ पे जल रखा हुआ है, साफ पानी जल चढ़ाने के लिए। और ये देखिए फसई का चावल रखा हुआ है, यही हम लोग आज बना के खाएंगे, और कोई अनाज नहीं खा सकते हम लोग, और फल भी नहीं खाएंगे, सिर्फ यही खाएंगे। तो ये मम्मी ने साफ करके सब कुछ रखा हुआ है, कल शाम को ही हम लोगों ने कर लिया था, तो ये आज हम लोग खाएंगे। और ये देखिए पहले पूजा करेंगे। तो ये देखिए दोनों थाली तैयार है, और आदिक साइड में चिल्ला रहे हैं तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और मम्मी पूजा की थाली तैयार करके रख दी है, मम्मी भी रेडी हो रही हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। हम नेल पेंट लगाएंगे और रंग लगाएंगे, तो चलिए। Gentle and wind and rain.
दादी को भी कर दो, जाके दादी को भी कर दो, दादी को कर दो। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का पूजा भी हो गया और पूजा कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाई है। कल मैं सोच रही थी मैं मेहंदी लगा लूं, बट मैं भूल गई थी, मैंने मम्मी को लगा दिया था। और मैंने सोचा था चलो मैं रात में लगा लूंगी, बट रात में मैं नहीं लगाई। और मम्मी सुबह बोल रही थी कि शुभ होता है लगाना चाहिए, तो ये देखिए मैंने लगा लिया। ऐसे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर चढ़ जाता है अच्छे डार्क कलर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए, सिर्फ मैंने 15 से 20 मिनट लगाया होगा मुश्किल से। उसके बाद मॉर्निंग में आप सबको पता है काम बहुत ज़्यादा रहता है, और जिस दिन फास्ट रहो उस दिन तो और भी ज़्यादा रहता है। तो बस इसीलिए, और पूजा वूजा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अभी बज रहे हैं 12:10 मिनट हो रहे हैं। और मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, और मैं किस लिए ब्लॉग नहीं बना रही थी ये भी मैं आप लोगों को इसकी वीडियो में आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में लेके आऊँगी, कि मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी किस लिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी इतने दिनों से। और जो पहले की मेरी वीडियो थी वही मैं धीरे धीरे एडिट करके वही डाल रही थी। अभी इस समय भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, बट मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तो मैं बना ही लूँ ब्लॉग। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, और आज छठ भी था इसीलिए। और किसके किसके यहाँ छठ मनाया जाता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किसके यहाँ नहीं मनाया जाता वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मेरी साड़ी कैसे लग रही है आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी है। ये मीशो से मैंने लिया था, और इसकी इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और सो गाइस, ये देखिए जहां पे मैंने पूजा किया था, ये देखिए इस तरीके से। मुझे फास्ट रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मम्मी बोलती हैं कि पहले कुछ खाओ पियो, पहले मोटी हो जाओ उसके बाद तुम फास्ट रखना। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि कंपलसरी होती हैं, जिसके यहाँ मतलब मनाया जाता है तो रखना कंपलसरी होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जिस दिन मैं फास्ट रहती हूँ, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है फास्ट रखने में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं कैसे रेडी हुई हूँ प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत जल्दी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि जिस दिन कोई काम रहता ना उस दिन लगता है कि पहले से सोचे रहो ना कि हाँ ये चीज़ ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बट नहीं हो पाता क्योंकि टाइम नहीं रहता ऐसे मेरे। सो फ्रेंड्स, इस साड़ी का ब्लाउज मैचिंग का नहीं है, आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा। इसका ब्लाउज टेलर के पास है, मैंने दिया है बट टाइम से आ नहीं पाया है, तो मैंने सोचा चलो मैं यही पहन लेती हूँ, और काफ़ी हद तक मैचिंग भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी को पहन लेती हूँ। और टेलर के यहाँ से जब भी आएगा तो फिर कभी पहनेंगे, तो आगे पीछे इंसान पहन लेता है। और पूजा वूजा सब कुछ हो गया है, बट अब सर भारी भारी सा लग रहा है। सुबह से जब भूखे रहो तो भारी भारी सा सर हो जाता है, तो अब चल रहे हैं कुछ खाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग खाने बैठे हैं, पथरी का चावल ये देखिए, और ये मम्मी दही चावल खाएंगे और मैं दूध चावल खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ है, और वहाँ पे प्रसाद भी रखा हुआ है ढक के। पहले हम लोग खा लेते हैं, काफी ज्यादा भूख लग गई है ना मम्मी, भूख लगी है मम्मी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है चावल, और इसमें दूध मिक्स करके खाएंगे, चीनी कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही खाएंगे दूध चावल सिर्फ। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं। ये देखिए मम्मी ने दही मिला के रखा है, मम्मी दही के साथ खाएंगी। और ये देखिए मैं दूध लेने जा रही थी, मैं दूध के साथ खाऊंगी। सो गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 7, और अब जाके मैं कैमरा हाथ में उठाई हूँ। हम लोगों ने खाया पिया, उसके बाद मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाने लगी, उसके बाद फिर आई, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, धूप भी थी छत पर जाके मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया, काफ़ी ज़्यादा धूप थी, उसके बाद मैं थक गई थी, आई फिर मैं सो गई थी ड्रेस चेंज करके। और उठी ना तो काफ़ी ज़्यादा सर भारी भारी सा लग रहा था, जब सो ना दोपहर में तो फिर ऐसे सर भारी भारी सा लगता है। और आज मैं काफ़ी देर तक सो गई थी, और आप लोगों को देख के भी पता चल रहा होगा मैं काफ़ी देर तक सो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा इस समय पतली भी लग रही हूँ, क्योंकि इस समय तबीयत नहीं ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो इसी वजह से। और
सभी लोग घर में बोल रहे हैं काफी ज्यादा पतली हो गई हो, तो अब मैं खाती पीती हूँ। देखो आप लोग बताना कि मोटे होने के लिए क्या खाएं कि जल्दी मोटे हो जाएं। मैं तो खाती हूँ बट मोटी नहीं होती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं क्या खाऊं ऐसा कि मैं जल्दी मोटी हो जाऊं। और गाइस आज मैंने नीचे पूजा किया है बालकनी में, छत पे नहीं गए वैसे। हाँ मम्मी हमेशा छत पे ही पूजा करते हैं, बट आज छत पे नहीं गए। मम्मी को प्रॉब्लम होती है छत पे जाने में, मतलब सीढ़ी चढ़ने में, मम्मी की तबीयत नहीं सही है, तो इसीलिए छत पे नहीं गए थे, यहीं बालकनी में हम लोगों ने पूजा कर लिया था। बट हाँ अच्छे से हो गया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हाँ मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा और कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही मैं बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के फ़ोन में आ जाए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।